Good afternoon. आफ्ता मुगल और माइनॉरिटी कंसर्न की जानिब से तमाम नाज़रीन और मेहमानों को आज के प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। माइनॉरिटी कंसर्न एक डिजिटल मैगजीन है जो अकलियती हकूक के लिए आवाज़ उठाता है और हम हर 3 महीने के बाद अकलियती हकूक के हवाले से खबरें शाया करते हैं। साथ ही साथ हम हर हफ्ते मुख्तलिफ मौजूआत पर वीकली वेबिनार्स भी मुनक्कद करते हैं। आज का प्रोग्राम जो है वो फेसबुक पर लाइव पेश किया जा रहा है। तमाम नाज़रीन माइनॉरिटी कंसर्न के फेसबुक पेज पर इसे लाइव देख सकते हैं। प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग कल हम यूट्यूब पर लगाएंगे जो हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद होगी। जो साथी हमसे राब्ता कायम करना चाहें वो हमारे फेसबुक पेज पर माइनॉरिटी कंसर्न के मैसेज बॉक्स में भी मैसेज छोड़ सकते हैं और इसके अलावा वो हमें ईमेल भी कर सकते हैं और हमारा ईमेल एड्रेस जो है वो स्क्रीन पर मौजूद है। हमारा आज का मौजू है पाकिस्तान में अकलियती मजदूरों की हालतजार। आज का प्रोग्राम हमने 1 मई के हवाले से मुनक्कद किया है। हमें खुशी है कि आज के मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ एक ऐसा पैनल मौजूद है जो एक तवील अरसे से पाकिस्तान में अकलियती मजदूरों के हकूक के लिए आवाज उठा रहा है। हमारे साथ लाहौर से अशफाक सहोत्रा, इटली से काशिफ एंथनी, टेक्सला से डॉक्टर शाहिद मसीह, फैसलाबाद से रुबीना खोखर, कसूर से नवीद मुनीर और इंग्लैंड से मोहतरम स्टीफन पीटर्स ने हमें ज्वाइन किया है। हम उन्हें प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और उनकी प्रोग्राम में मौजूदगी के लिए उनके शुक्रगुजार हैं। आज के प्रोग्राम की निजामत हमारे साथी अशकनाज खोखर साहब करेंगे जिन्होंने हमें साहिवाल से ज्वाइन किया है। अशकनाज इंसानी हकूक के कारकुन हैं और तकरीबन अरसा 15 साल से आप सिविल सोसाइटी सेक्टर से मुंसलिक हैं। सेंटर फॉर सोशल जस्टिस के अलावा मुतअद्दिद ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो मुख्तलिफ हैसियतों से काम कर रहे हैं। इसके अलावा आप एक्शन यूथ ग्रुप के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। अब मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। ओवर टू यू अशकनाज। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस पैनल। आप सब दोस्तों साथियों को और अपने सीनियर्स को इस प्रोग्राम में माइनॉरिटी कंसर्न की तरफ से खुशामदीद कहता हूं। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही अहम है और आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर 70% के करीब जो मजदूर तबका है और खासतौर पर जिनका ताल्लुक जो है वो मजलूम तबका भट्टा मजदूरों के साथ है, वो क्रिश्चियन कम्युनिटी से या अकलियतों के साथ उनका ताल्लुक है। तो आज इस मौजू के ऊपर जो आपसे बात होगी उसमें मैं चाहता हूँ कि जब आप मजदूरों के मसाइल को डिस्कस करते हैं तो उसमें लाजमी तौर पर अकलियतों के जो मजदूर हैं उनको लाजमी तौर पर आप शामिल करें। अगर आपके पास कुछ डेटा है जो आपके उनके साथ शेयर करना चाहें तो वो लाजमी तौर पर शेयर करते चले। सबसे पहले जो मेरा सवाल है वो मैं शाहिद मसीह साहब से करना चाहूंगा। शाहिद मसीह साहब का ताल्लुक जो है वो टेक्सला से है और वो एक राइटर है, कॉलम निगार है और उनकी 3 किताबें जो पब्लिश हो चुकी हैं और उनका जो स्पेशल टॉपिक है वो यूनियन साजी के हवाले से है और वो हेल्थ के हवाले से उन्होंने काफी ज्यादा काम किया है। और चीफ एडिटर है महानामा फेथ फिक्शन ऑनलाइन जो कि कनाडा से पब्लिश होता है। मैं इनसे क्वेश्चन करना चाहूंगा और इनसे पूछना चाहूंगा कि सर आपकी राय के अंदर जो अगर आप देखते हैं अपने इर्द गिर्द के जो मसाइल हैं उस पर देखें तो आपको लगता है कि पाकिस्तान में अकलियती कारकुनों के जो समाजी और माली सूरत हाल आपकी नजर में क्या है? बहुत शुक्रिया सर। मैं आप सब दोस्तों का नहाय दिल से थैंक्सफुल हूँ कि आप लोगों ने मुझे वक्त दिया और इसके अंदर शामिल किया। बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर मजदूरों की मुआशी हालत जो है वो लगुफ्ता बे है और इसके अंदर हम एक अरसा दराज से जो है ये देखते आ रहे हैं कि उनके साथ जो है वो नारवा सलूक जो है किया जाता है। आप देखेंगे पाकिस्तान के अंदर
जो है अकलियतों के लिए 5% कोटा भी है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि वो उस कोटे में से भी उनकी जो जॉब्स हैं वो उनको नहीं दी जाती। अलमिया ये है हमारा, एप्लीकेशन जो है मतलब दी जाती हैं, लेकिन उनको रद्दी की आप क्या लेके उसके अंदर फेंक दिया जाता है, बास्केट बिन के अंदर। तो हमारी सूरत हाल अच्छी नहीं है। और दूसरी वजह यह है कि हमने खुद को भी अपलिफ्ट करने की इस सिलसिले के अंदर जो है इनकी स्ट्रगल नहीं की। आपने बड़ी अच्छी बात की कि पाकिस्तान के अंदर 70% ऐसे लोग हैं जिनका तल्लक बट्टे के साथ है, और वो उनकी जनरेशन नस्ल दर नस्ल जो है वो इस जिंदगी के अंदर गुलामी के अंदर जो है वो गुजार रही हैं। आपने ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि अकलियती मजदूरों के लिए आज आपने जो है बातचीत करने की ठान ली है। तो इसमें हमें मेरा ख्याल है कि अपनी सब नेशन को अपलिफ्ट करना चाहिए, उनके राइट्स जो बनते हैं जहां पर उनको जो है इनके सपोर्ट की जरूरत है, अखलाकी तौर पर जरूरत है, जिस्मानी तौर पर जरूरत है, या उनकी आप कह लीजिए कि साइकोलॉजिकल जो है उनकी जरूरत है, तो उनके साथ लाजमी तौर पर जो है वो हम सबको कोऑपरेट करना चाहिए। पहली बात तो यह है कि हमारे लोग जो मतलब जितने MPA MNAs हैं वो तो जो है मतलब लोगों की बात ही नहीं सुनते, अपनी अपनी पार्टी के जो है वो हैं, ये मैं बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कह रहा हूँ। हज़्बी क़यादत का भी यही हाल है कि वो अपलिफ्ट नहीं करते। इसके लिए मैं कहूँगा कि अगर हर MPA MNA डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सूबाई लेवल पे अपने लोगों की एप्लीकेशंस ले लें और सॉर्ट ऑफ करें कि कौन सा बंदा किस जगह पर जो है वो ठीक है या उसकी जॉब जो है मतलब बनती है, तो मेरा ख्याल है कि इस तरह हम अपने लोगों के लिए बहुत सारी भलाई जो है वो उनकी जिंदगी को चेंज कर सकते हैं। तो जब हमारे दिल के अंदर शऊर ही नहीं है, तो खुदा ने आज दिन तक उस कौम की हालत नहीं बदली जिसको आप अपनी हालत के बदलने का खुद ख्याल ना हो। सो हमें जरूरत है एक की, और इसके अंदर जो है एक बहुत बड़ा काम करने की जरूरत है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी फाइनेंशियली हालत जो है वो एक अरसा दराज से क्या में पाकिस्तान से लेकर अब तक हम उस तरीके से, हाँ ठीक है कुछ फैमिलीज बहुत अस्टेब्लिश हो गई जिनको जो है कुछ बाहर चले गए अपने अपने लिहाज से, तो लेकिन दूसरों का यहाँ पर जो है उनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। अगर उठाई भी जाती है तो उनको हल करने वाला जो है वो इस दुनिया के अंदर कोई नहीं है। सो ये जरूरत है हमें कि हम सब यूनाइट होकर अपने लोगों के लिए काम करें। मेरा ख्याल है कि हम सबको इस बात के लिए एग्री होना चाहिए। जी थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर शाह मसीह साहब। अभी हमारे दरमियान नौजवान क्यादत काशिफ अंतरी साहब मौजूद हैं जिन्होंने हमें रोम इटली से ज्वाइन किया है, और काशिफ अंतरी साहब के हवाले से मैं आपको चंद बातें बताता चलूं कि ये डायसन कोऑर्डिनेटर हैं नेशनल कमीशन फॉर जस्टिस एंड पीस के, और अभी एक खास कोर्स के लिए, एक डिप्लोमा के लिए इंटरलीजियस डायलॉग फ्रॉम जो कि आप पोंटिफिकल यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं सेंट थॉमस एक्वाइनस रोम इटली से। तो ये हमारे लिए बड़ी फख्र की बात है कि हमारे एक पाकिस्तानी नौजवान जो रोम के अंदर एक बहुत अच्छी किस्म की जो डिप्लोमा डिग्री के लिए वहाँ पर मौजूद है। इन्होंने कोर कमेटी में काम किया है कैथोलिक इंटरफेथ कमीशन फॉर इंटरफेथ एंड हारमोनी आर्च डायसिस ऑफ कराची के अंडर, और इन्होंने बैचलर किया हुआ है फिलोसफी पोंटिफिकल यूनिवर्सिटी से और इंटरनेशनल थियोलॉजी के अंदर, और बहुत अरसा दराज से इंसानी हकूक के वाले से सरगर्म है, और इनकी बहुत ज्यादा ग्रिप है कराची में, खासतौर पर एक बहुत बड़ा तबका है जो मजदूरों का है। तो मैं काशिफ साहब आपसे इसी सवाल को आगे बढ़ाते हुए आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में अकलीती जो मजदूरों की जो हालत ज़ाहर है
उनके कौन सी मेन वजूहात है जिसके ऊपर आप देखते हैं कि आपको हमें बात करने की जरूरत है? जी अशोक दास, थैंक यू। उम्मीद है आपको मेरी आवाज आ रही होगी क्लियर है। ओके, मैं जो अपनी बात जो है वो शुरू करना चाहूंगा कायदे आजम की जो 11 अगस्त की जो तकरीर थी उससे, क्योंकि उसमें जो है वो हमें इंक्लूसिविज्म मिलता है, उसमें रिलीजियस फ्रीडम भी मिलता है, रूल ऑफ लॉ मिलते हैं, इक्वालिटी ऑफ फॉर एवरीवन। तो लेकिन आज अगर हम लोग उस पहले दिन को या उस तकरीर को देखें या जिस मकसद के लिए पाकिस्तान जब बनाया गया था, इक्वालिटी थी उसमें सारा कुछ था, तो वी आर रियली गोन फार बिहाइंड फ्रॉम द रियल मोटिव ऑफ पाकिस्तान, उनकी जो क्रिएशन थी। मजदूरों के हवाले से मैं यही बात करूंगा कि देखें हैं उनमें जब इस चीज को सामने लेके आ जाया जाता है ना, यानी कि वो मुख्तलिफ आपके एक्टर्स हो सकते हैं, मुख्तलिफ लोग हो सकते हैं जो, और जो आपको जो है वो कमतर जो है वो फील करवाते हैं कि योर वर्क इज नथिंग फॉर अस, सही है। तो जब उनमें उनके काम को लेके जब उनको दुत्कारा जाता है, उनको जो है परेशान किया जाता है, तो उनमें ना उम्मीदी, आगे बढ़ने की जो सलाहियत है, तरक्की करने की जो सलाहियत है, वो कम हो जाती है। हमारा अगर हम लोग देखें कि कोई भी अमल है या कोई भी तरक्की करने का जो एक जो है वो पॉइंट होता है, वो होता है डेटा आपका या सेंसिस होता है। तो अगर हम लोग उसी को देखें तो ना तो आपके पास जो है वो माइनॉरिटी का प्रॉपर डेटा है, सही है, ना तो उनकी एजुकेशन के बारे में, ना उनके जो है वो काम के हवाले से किसी भी किस्म का जो है ना वो आपके पास डेटा मौजूद नहीं है। वो जो है मुल्क की सतह पे भी हो सकता है, सही है, जिसमें जिसे हम सेंसिस भी कहते हैं, और दूसरा जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है उनके पास भी अपनी माइनॉरिटी के हवाले से कोई डेटा खास मौजूद नहीं है। तो किसी भी चीज को फैसिलिटेट करने के लिए, किसी भी काम को आगे बढ़ाने के लिए, आई वुड से योर डेटा इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर यू। फिर हम अपने मजदूरों को देखते हैं कि हमारी जो ऑफिशियल गवर्नमेंट सेक्टर से जो नौकरियां आती हैं, शाहिद भाई ने बड़ा जिक्र किया हमारे शाहिद भाई ने कि 5% कोटा, तो हकीकत है हमें 5% कोटा पे लाया जाता है, लेकिन उसमें एक चीज जो है वो बड़े जो है ना दुख के साथ कहना पड़ता है कि ना सिर्फ एजुकेशन सेक्टर, कोई भी सेक्टर आप ले लें, सही है, वो आपका आर्मी हो या पुलिस हो, कोई भी यानी के हो, उनमें उनकी तरफ से आपके पास जो है ना वो अक्सर देखने को मिलता है कि उनके पास जो जॉब्स माइनॉरिटी की और खासतौर पर मसीहियों के लिए जो जॉब्स आती हैं वो या तो जेनिटोरियल वर्क, सैनिटरी वर्क की होती हैं। तो हमें जो है ना इस चीज को, वो जो मैंने अपनी बात को शुरू करने से पहले जो मैंने कहा था ना कि वी आर गोन रियली फार बिहाइंड फ्रॉम द रियल मोटिव ऑफ पाकिस्तान, सही है। तो ये अगर इस किस्म की सिचुएशन या इस किस्म की चीजें हमारे सामने आएंगी तो हम वाकई कहेंगे कि हम जो है वो वी आर रियली गोन फार बिहाइंड। फिर एक और चीज का जिक्र मैं ये करना चाहूंगा, हमारे जो माइनॉरिटी जो जैसा आपने भी कहा और जेनिटोरियल वर्क में हमारे जो है वो बहुत सारे लोग जो है काम कर रहे हैं एज ए सैनिटरी वर्कर, तो उनके जो लीगली जो राइट्स की जो प्रोटेक्शन है ना वो भी नहीं है। आप देखें अगर कोई बंदा अपनी सारी जिंदगी काम करके एंड पे रिटायर होता है, ना तो उसको रिटायरमेंट के पैसे प्रॉपर तरीके से मिलते हैं, सही है, ना तो उनके पास पेंशन आती है, ना उनके पास सैलरीज के जो है ना वो प्रॉपर तरीके यानी कि कुछ भी नहीं है, और उनके जो जो कह सकते हैं कि आपके जो एज ए वर्कर या एज ए एम्प्लॉय जो आपके राइट्स हैं, सही है, वो भी उनको नहीं दिए जाते। तो ये जो चीजें हैं ये हमें जो है मजबूर करते हैं कि हम आवाज उठाएं, हम दुआ करते हैं कि हमारा जो मुल्क है वो बहुत ज्यादा तरक्की करे और जो है सबको उनके राइट्स मिले। एक और चीज का मैं यानी कि जिक्र ये करना चाहूंगा कि हमारा जो काम है ना, अगर दो चीजें, पहले नंबर पे बीइंग अ माइनॉरिटी, सही है, और दूसरा हमारे पास जो जॉब्स ज्यादा लोगों की हैं, हमें जो है ना वो सोशली जो है ना रिगार्ड नहीं किया जाता, वी आर नॉट सोशली रिगार्डेड।
कोई भी मजदूर है, मैं यहाँ पे अभी एक साल के लिए, जैसे आपने जिक्र किया रोम में मैं स्टडी के लिए आया हूँ, यहाँ पे आपका जो जेनिटोरियल जो स्वीपर या कोई भी जो बंदा है ना, उसको आप ले लें ऑफिसर तक, हर एक बंदे के राइट्स हैं, हर एक बंदे को जो है वो सोशली रिगार्ड किया जाता है। नो बडी कैन से कि यार ये देखो ये बंदा जो है वो झाड़ू मार रहा है, ये बंदा जो है कचरा उठा रहा है, एवरी बडी हैज अ रिस्पेक्ट। और जब तक आपके जो एम्प्लॉयज हैं, आपके जो वर्कर्स हैं, आपका जो मजदूर तबका है, उसको जब तक आप इज्जत नहीं देंगे ये, तो वो ना उम्मीदी की तरफ जाएगा, वो जो है वो तरक्की की तरफ नहीं बढ़ेगा। तो ये चीजें हैं, बाकी जो है वो आई थिंक आई टुक 3 मिनट्स हो गए मेरे। थैंक यू वेरी मच काशी मंत्री साहब, आपने बहुत खूबसूरत तरीके से जो एक हालत इजार को और एक कंपैरिजन जो किया आपने एक यूरोपियन वर्कर्स को और एक हमारा जो पाकिस्तानी वर्कर्स है उसके हवाले से, तो हमें एक तासुब की जो फिजा नजर आती है या एक डिस्क्रिमिनेशन की फिजा जो यहाँ पर मौजूद है उसकी के ऊपर मैं बात करने के हवाले से हमारे साथ एक बहुत एक्सपीरियंस्ड शख्सियत मौजूद है, स्टीफन पीटर साहब। हम आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। स्टीफन पीटर साहब के हवाले से आपको बताता चलूं कि स्टीफन पीटर साहब का ताल्लुक जो राइट नाउ इज इन बर्मिंघम यूके में, उन्होंने अपना जो सोशल वर्क था वो बहुत ही कम उम्र में उन्होंने आगाज किया और उन्होंने फिर ट्रेड यूनियन के साथ भी काम किया, उनका एक्सपीरियंस रहा। फिर उन्होंने इलेक्टाबाद में इलेक्शन लड़ा और काउंसलर मुंतखब हुए, उसके बाद फिर वो एमकेएम के तरफ से 2008 में प्रोविंशियल असेंबली के सिंध में मेंबर भी बने रहे, तो इनके पास एक बहुत वास्ट किस्म का एक्सपीरियंस भी है। और इनकी जो एक कम्युनिटी सर्विसेज है जो पीसीसीआई के हवाले से, पाकिस्तान क्रिश्चियन कंसर्न इंटरनेशनल के हवाले से, ये बहुत अहम है। तो मैं इनसे ये पूछना चाहूंगा कि आप सर जो मजदूरों के, आप एक तो आपका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा है सोशल लाइफ के अंदर भी और आपने पॉलिटिकल लाइफ भी देखे, उसको अगर पॉलिटिकल एस्पेक्ट के साथ देखा जाए कि एक पॉलिटिक्स में किस तरीके से हमारे जो अकलीतों के मसाइल हैं, खासतौर पर मजदूरों के मसाइल, उसको किस तरीके से देखा जाता है, और आपके हवाले से क्या इश्यूज ऐसे जिनको नजरअंदाज कर दिया जाता है और उसको लाजमी तौर पर ऑन टेबल लाना चाहिए हमें। जी अशिक नाथ साहब बहुत शुक्रिया, और मैं आफ्ताब मुगल साहब का भी शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने बहुत एक अच्छा प्रोग्राम जो है उसको डिस्कस करने के लिए आज ये कोशिश की है। मैं आपके सवाल पे ही रहूंगा सिर्फ, क्योंकि 2-3 मिनट में मेरी कोशिश होगी कि मैं सिर्फ टू द पॉइंट आपसे बात करूं। मेरे ख्याल में जो आपने सवाल पूछा है इसमें दो चीजें हैं, एक तो आपने माशरती सूरत हाल जो है वो उसका जिक्र किया, और दूसरा जो माली सूरत हाल है हमारे जो माइनॉरिटीज के लेबर है उनकी माली सूरत हाल का जिक्र किया है। जब हम माशरती सूरत हाल का जिक्र करते हैं तो हमें पूरी दुनिया की तरफ देखना पड़ता है कि उसका तरीकाकार क्या है। दुनिया के हर माशरे में दो तरह की पोजीशंस होती हैं, नंबर एक अक्सरीती पोजीशन है और नंबर दो अकलीती पोजीशन है। पूरी दुनिया में दोनों पोजीशनों को वाजह करने के लिए मुंदरजा ज़ैल जो है वो बुनियादों को देखना पड़ता है जिन पे जो है वो इसको तकसीम किया जाता है। तो पहली जो इसकी तकसीम की बुनियाद है वो है मजहबी बुनियाद, दूसरी जो बुनियाद है जब किसी को तकसीम किया जाता है तो वो है ग्रोही बुनियाद, फिर कबायली और कौमी बुनियाद पे तकसीम किया जाता है। पाकिस्तान में इन पोजीशनों को मजहबी बुनियाद पे जो है वो तकसीम किया गया है, और मेरे ख्याल के मुताबिक जो है कि यही एक सबसे अहम और मसला है कि पाकिस्तान में जो है वो मजहब को जो है वो ज्यादा अहमियत दी गई है। बदकिस्मत से पाकिस्तानी माशरे में लफ्ज अकलियत जो है बज़ाते खुद एक छोटा लफ्ज है, और माशरे में अकलियत या माइनॉरिटी होना एक बहुत बड़ी गाली है, और ये गाली अकलियतों को एहसास कमतरी का एहसास दिलाती है। आप सब वाकिफ हैं इस बात से कि माहिर नफ्सियात का तजिया भी इसका कहता है कि एहसास कमतरी को किसी सूरत जो है वो इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती, और इस एहसास कमतरी की वजह से अकलियतें खुद में कहीं ना कहीं कमी महसूस करती हैं। अब चाहे वो कमी माशी ज़राए हो, चाहे वो अफराद की किल्लत हो, चाहे वो ताकती या माली ज़राए हो, ये कमियां आपको एहसास कमतरी से ताल्लुक निकलने नहीं देती। पाकिस्तानी अकलियतें इस वक्त बड़ी शिद्दत से एहसास कमतरी का शिकार हैं,
और इसकी सारी की सारी जिम्मेदारी इंतहा पसंद इस्लामी मजहबी उलमा पे है। और अगर ये इस्लामी मजहबी उलमा जो है ये इसको थोड़ा सा इस पर नजरसानी करें तो मेरे ख्याल में हम जो है अपने लोगों को आगे बढ़ा सकते हैं। अब जो आपका दूसरा पॉइंट है माली, पाकिस्तान की अकलियत है माली सूरत हाल बड़ी ही अबतर है इस वक्त, और खसूसन मसीही अकलियतों की माली सूरत हाल तो इंतहाई निचले दर्जा पर है, जिसकी दो बड़ी वजूहत है जैसा मैंने जिक्र पहले भी किया कि मजहबी इंतहा पसंदी और ब्लास्फेमी कवानीन का गलत इस्तेमाल जो है वो इसकी एक सबसे बड़ी वजह है। और दूसरी जो बड़ी वजह अभी मेरे एक दोस्त भी जिक्र कर रहे थे कि सरकारी और गैर सरकारी इदारों में नौकरियों की फराहमी में गैर मुनसफाना बर्ताव जो है उसने माइनॉरिटीज को जो बिल्कुल निचले दर्जे पे ला के रखती है। थैंक यू जी। जी थैंक यू वेरी मच शिफा साहब, आपने एक बहुत खूबसूरत पॉइंट रेस किया है कि एक मजहबी इंतहा पसंदी और फिर जो एक अदारों की तरफ से जो नजरअंदाज किया जाना खासतौर पर अकलीती वर्कर्स को एक बहुत बड़ा इशू है। तो मैं कराची में ही रहना चाहूंगा, मैं हमारे साथ मौजूद हैं पब्लिक न्यूज टेलीविजन के कैमरामैन अशफाक सोहता साहब जो कि डिफरेंट इश्यूज के ऊपर रिपोर्टिंग भी करते हैं और आंख के साथ और कैमरा की आंख के साथ दुनिया को हालातों वाकया दिखाते हैं। तो मैं अशफाक साहब से पूछना चाहूंगा, अशफाक साहब आपकी नजर के अंदर आप कौन से मसाइल है जो अकलीतों के हवाले से अपने कैमरा की नजर भी करते हैं और आप लगता है कि शायद इनके ऊपर हमें काम करने की जरूरत है? जी मेरी तरफ से सबको सलाम, बहुत खूबसूरत बातें की हैं भाइयों ने और बहुत अच्छा लगा इस प्लेटफॉर्म पे आके अपने नसीब दिल की आवाज बनने के लिए। तो मजदूरों के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि कल दे है मजदूर दे सुबह, तो मजदूर कल भी अपना काम ही करें, मजदूर ने कल भी काम ही करना है, तो फायदा जो मजदूर की छुट्टी है जो कर दिया है वो कोई और उठाए, तो मजदूर हर जगह पिस रहा है कहीं पे भी। तो हमारे जो ये मनोरिटी की है ना मनोरिटी के दिन बदले में ये अपने लिए तो आवाज उठाते हैं मजदूरों के लिए हर जगह पिस रहा है, किसी जगह पे मजदूर की कोई आवाज नहीं कोई उठाता नहीं है, वो खुद क्या करेंगे बेचारे कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए हमने एक कोशिश की है एज एक मसीह होने के नाते एक सोत्रा होने के नाते, तो इसलिए कह रहा हूँ मैं देखें हम सब तो हैं मसीह है मसीह के मानने वाले हैं, हम एक प्लेटफॉर्म इकट्ठा नहीं हो सकते, अपने लोगों के लिए कोई काम नहीं कर सकते, सब अपने अपने लिए लगे। तो हमने एक मसीह होने के नाते एक अपनी बरादरी को इकट्ठा की, अपनी बरादरी जो सोत्रा बरादरी है उसका मकसद ये है कि हम जो हमारे मजदूर भाई दिहाड़ीदार लोग हैं हम सब मिलके उसको उसकी हेल्प करें, उसकी हेल्प करें, उसको छोटा सा कारोबार शुरू करवा के दें ताकि वो खुद कमाए और खुद तरक्की की तरफ जाए मजदूरी ना करे। तो हमारे कुछ बड़े लोग हैं ऐसे छोटा खानदान जो पूरे पाकिस्तान से हमने लोग इकट्ठा किए हैं, पूरे ओवरसीज हर मुल्क से हैं। तो आइंदा आप दिनों में देखेंगे ये छोटा खानदान बड़े अच्छे तरीके से अपने जो मजदूर भाई हैं दिहाड़ीदार के जो लोग हैं उनकी मदद करेगा। और ना तो हमने इस पर सियासत करनी है ना इसको मजबूत तरफ देखता है, तो ये प्योर हम बरादरी की बरादरी बेस पे करेंगे अपने काम। और मैं चाहूँगा कि हमें देख के दूसरी बरादरी के लोग भी करें ताकि अपने सब एक प्लेटफॉर्म तो इकट्ठे नहीं हो सकते, कम से कम अपनी बरादरी बेस पे तो इकट्ठे हो जाए, तो जो मजदूर तबका है जो अब दिहाड़ीदार लोग हैं उनकी मदद करें, उनको एक प्लेटफॉर्म दें, उनको छोटा सा कारोबार शुरू करवा के दें ताकि वो अपना तरक्की की तरफ। तो सर ये हमने एक काम किया है, मेरी नज़र में बहुत बड़ा काम है ये, पूरे पाकिस्तान से कोई ऐसा सिटी नहीं है जहाँ पे हमने एक सोत्रा खानदान को एक प्लेटफॉर्म इकट्ठा नहीं किया, और काफ़ी मुल्कों में है हमारे रोपन यामी सोत्रा साहब है वो अमेरिका में वो वहाँ पे काम कर रहे हैं, और काफ़ी मुल्कों में है सोहेल अदर साहब हैं और बहुत से दोस्त हैं। तो उम्मीद है कि हम कोशिश कर रहे हैं इस पर और जल्द से जल्द अपने मजदूर तबका है हमारे सोत्रा खानदान का उसको हम एक प्लेटफॉर्म पे बना के दें ताकि वो एक कारोबार शुरू करवा के दें ताकि वो दिहाड़ी मजदूरी ना करे। तो मैं इतने कहना चाहूँगा कि बस सबको सोचना चाहिए कि अपने मजदूरों भाइयों को खड़ा करें
इनकी हेल्प करें, इनकी मदद करें। आप ये ना सोचे कि हमें गवर्नमेंट करेगी हमारे साथ हेल्प करेगी या हमारे कुछ सियासतदान करेंगे या मिनार्टी मूव वाले करेंगे, ये कुछ भी नहीं करेंगे, ये अपने लिए करेंगे, मजदूर के लिए कोई आवाज नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू मिस्टर इश्फाक साहब, आपने बहुत खूबसूरत अंदाज में बताया कि हमें मिलकर अपने इन जो मजलूम तबका थे मिलकर काम करना, और ना सिर्फ अदारों की जिम्मेदारी बल्कि हम सब की जिम्मेदारी है ताकि हम उनके लिए आवाज उठा सके। अभी मैं आपको ले जाना चाहूंगा कसूर में। कसूर एक बहुत बड़ा इलाका है जहाँ पर मजदूरों की तादाद बहुत ज्यादा भी है, और मैं चाहूंगा अगर नवीर साहब अपना कैमरा भी ऑन कर ले तो आपको हम देख भी पाएंगे। तो कसूर के हवाले से देखते हैं कि यहाँ पे भट्टों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है कसूर के अंदर। अगर आप देखते हैं कि हमें इकबाल मसीह जैसे केसेज है, पेशमा शहजाद जैसे केसेज है, भट्टों पे जो रुनमाने वाले केसेज है वो मोस्टली वहां पर कसूर साइड से हमें मिलते हैं, और आज भी एक बहुत बड़ी तादाद इंटो वाले बनाने वाले भट्टा मजदूरों की वो कसूर में पाई जाती है, और जिनका ताल्लुक जो है वो अकलीतों के साथ है। तो नवीद मुनीर साहब जो है ये एज ए बेलफ लाहौर हाई कोर्ट के अंदर काम कर रहे हैं, एलएलबी के स्टूडेंट भी हैं, और इनका एक वसी तजर्बा है भट्टा मजदूरों के साथ काम करने के लिए। तो नवीद साहब आपसे मेरा यही सवाल बनता है, और मैं चाहता हूँ आप इसको ब्रीफली बात भी करें कि आपकी नजर में अभी दौरे हाजिर के अंदर आज के दिन आप कौन से मसाइल जो टिपिकली अकलीती भट्टा मजदूरों के हैं वो आप हमें बता सकते हैं, कि आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। सर थैंक यू सो मच, आफ्ताब मुगल साहब आपका शुक्रिया कि आपने बंदा ना चीज को इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। अश्नाज साहब आपका बहुत शुक्रिया। तो सर यहाँ पे आपको पता है कसूर में बहुत सारे जो लोग भट्टों पे काम करते हैं, लेबर्स में काम करते हैं, यहाँ पे बहुत सारी नाइंसाफियां होती हैं। तो पाकिस्तान में हमारी अकलीती भट्टा मजदूरों की हालत बड़ी कशीदा और नागजीर सी नजर आ रही है। हम भट्टा मजदूरों की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारी जो भट्टा मजदूर है उनको उनकी उजरत ही फर्स्ट ऑफ ऑल पूरी नहीं दी जाती कि आपने यहाँ से कर्जा लिया हुआ है आपको, इसलिए हम अगर 1200 रुपए उनकी चल रही है उजरत, 1000 जो ईंटी हैं तो उनको 900-800 दी जाती है कि आपने जो हमसे लोन लिया हुआ है, हालांकि वो लोन की मद में नहीं काटा जाता, वो वैसे ही काटा जाता है। उसके अलावा हमारे जो बच्चे बच्चियां हैं 7 साल 10 साल 5 साल उनको जबरदस्ती वालदैन के साथ काम करवाया जाता है, हालांकि हम समझते हैं उस उम्र में उनको तालीमात की जरूरत है, उसी उम्र में उनसे जबरदस्ती काम करवाने के बावजूद बहुत सारे हमारे जो बच्चे बच्चियां हैं उनके साथ जिस तरह के मुंशी भट्टा मालकान और बहुत सारे लोग हैं उनको जिंसी तौर पर भी निशाना बनाती हैं, लेकिन वो वहां पे बेबस नजर आती हैं, उनकी आवाज को वहां का वहीं दबाया जाता है। लेकिन उनको हमें आज के दिन मैं सोचता हूँ कि हमें उनको बतलाने की जरूरत है कि आप भी पाकिस्तान के उतने ही खैर ख्वाह हैं जितने के दूसरे मजाहब के लोग हैं, उनको हमें उनके फंडामेंटल राइट्स बताने की जरूरत है, और उनको ये बताने की जरूरत है कि आप जब पाकिस्तान ने कायद ने जब पाकिस्तान बनाया तो हमारी 100 से ज्यादा मसीह नर्सों ने वहां पे कुर्बानियां दी, हमारे बहुत सारे लोगों ने पाकिस्तान बनाने में अपना जो है रोल अपना अहम करदार अदा किया। आप सब इस हवाले से जानते होंगे शमा और शहजाद को किस तरह उनको जो तहीन रसालत का उन पे गलत इल्जाम लगाकर कसूर में कोर्ट राधा कृष्ण में जलाया जाता है, वहां पे हमारी जो एनजीओज हैं वो बस पैसे कमाने के चक्कर में है, किसी ने कोई उनकी आवाज कोई कुछ नहीं बना, कुछ बुनियाद भी उनके बच्चे यहाँ पे हैं उनकी फैमिलीज यहाँ पे हैं कुछ नहीं। ऐसे ही रोज बरोज बहुत सारी वाकयात होती हैं जो कि हमें हमारी लेबर्स के हवाले से बड़ा डिस्टर्ब करते हैं। तो हमें सर मैं सोचता हूँ कि हमें उनकी आवाज बनने की जरूरत है, हमें उनके साथ एक सेमिनार्स करने की जरूरत है कि हम उनको बता सके कि हमें आपको फंडामेंटल राइट्स हासिल हैं। दूसरी तरफ हम बात करते हैं यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशंस है, मैं जॉब करता हूँ तो हमारे भी बहुत सारे मसाइल हैं कि हमें भी वहां पे डिस्क्रिमिनेशंस का निशाना बनाया जाता है, हमें भी हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो नहीं दिए जाते, हमें आज भी हमारे जो बर्तन लग कर दिए जाते हैं कि आप क्रिश्चियन हैं, और दूसरी हमें हमारी हमारे सामने तो नहीं कोई कहता लेकिन हमारे बाद में कहते हैं कि यार ये चूड़ा है। तो इस तरह हमें बहुत सारी बातों से हमें जो है ना डिस्क्रिमिनेशन का निशाना बनाया जाता है। तो उसके अलावा सर मैं ये सोचता हूँ कि हमें उनको जो मजदूर हैं भट्टा मजदूर हैं उनके हकूक को फरोग देने के लिए अपना अमली रास्ता अख्तियार करना होगा, कस्बों में शहरों में हमें हमारी जो कम्युनिटी के लिए काम करने की जरूरत है। हमारे बहुत सारे MPs MNA हैं जो असम्बलियों में बैठे हुए हैं लेकिन वो हमारे जो हैं अकलीतों के हवाले से कोई बात नहीं करते, भट्टा मजदूरों के हवाले से बात नहीं करते कि उनको हमें आज़ादी दिलवानी चाहिए, लेकिन इस तरफ कोई नहीं आता।
हमें उनको ये बतलाने की जरूरत है कि जो आज हमारे जो लोग बैठे हुए हैं, वजीर आजम, सेनेटर, वजीर जो बैठे हैं, उनको तलीम दिलवाने में हमारी कम्युनिटी ने, जब कोई अदारे काम नहीं करते तो हमारे मिशनी अदारों से वो तलीमात हासिल करके गए हैं। तो सर ये है कि हमें सबसे पहले बहुत ज्यादा जो है डिस्क्रिमिनेशन का पाकिस्तान में सामना करना पड़ता है, और बाकी कसूर में जो है ना बहुत सारे बट्टे हैं, लोग जो है ना यहाँ पे फंसे हुए हैं, वो आजादी चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं यहाँ से पढ़ लिख कर आगे निकलें, लेकिन वो निकल नहीं सकते क्योंकि यहाँ से वो डिस्क्रिमिनेशन का भी सामना करते हैं। आगे कहीं वो जाने की कोशिश करते हैं तो उनको ऊपर इल्जाम लगाए जाते हैं, उनको तशद्दुद का भी निशाना बनाया जाता है। जिस तरह मैंने कहा कि हमारे जो बच्चों की आवाजों को बेबस किया जाता है, उनको बेबस किया जाता है, उनके जिंसी तौर पर भी निशाना बनाया जाता है, उनको हरासा भी किया जाता है, लेकिन वो बेबस हैं। तो सर थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। ये सारे जो इश्यूज थे उसको मर्ज किया, हमें बहुत खुशी हुई है। अभी मैं आपने एक बहुत अच्छा जो एलिमेंट हमारे साथ शेयर किया, मैं ये डॉक्टर शाह साहब से लाजमी तौर पर पूछना चाहूंगा। डॉक्टर शाह साहब आप बताइएगा कि आपकी नजर के अंदर, डॉक्टर शाह साहब प्लीज अनम्यूट कीजिएगा खुद को। डॉक्टर शाह साहब आप प्लीज मुझे बताइएगा कि अभी हेल्थ के हवाले से, क्योंकि आप यूनियन साजी के हवाले से भी काम कर चुके हैं, तो डॉक्टर शाह साहब आप प्लीज मुझे बताइएगा कि आपके जहन के अंदर कौन से ऐसे मसाइल हैं सेहत के हवाले से, कौन सी ऐसी आपको बीमारियां नजर आती है भट्टा मजदूरों में या दूसरे अकलीती जो सैनिटरी वर्कर्स हैं या दूसरे जिनके ऊपर काम करना जरूरत है, अदारों को उसके ऊपर काम करना चाहिए हेल्थ के हवाले से, प्लीज। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा ये बात बहुत खुशी की है कि मैंने इंटरनेशनल डेज के ऊपर काम किया हुआ। ये मेरी बुक है, 25 बीमारियों के ऊपर जो है मैंने वर्क किया है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो आलमी दिनों को हर माह सेलिब्रेट करती है, उसके ऊपर मैंने नहायत उसका इंट्रोडक्शन बयान किया, बीमारी का तारफ दिया और उसके बाद उसकी एहतियाती तदाबीर काजेज क्या हैं, बीमारियां कौन सी हैं। अब देखें, जब तक हमारी हड्डियों से गुर्बत नहीं ना निकलेगी, उस वक्त तक सेहत जो है वो जिस्मानी है, तो उस वक्त तक हमारी जिंदगी के अंदर जब तक हमारा जहन जिस्म जो है वो यकसोई नहीं, उस वक्त तक यकसो नहीं होगा जब तक हमारे पास रिसोर्स नहीं होंगे। रिसोर्स का होना अजहद जरूरी है। पाकिस्तान की अलमिया ये है कि जब उन लोगों को बेचारों को आप देखेंगे जिसने सुबह निकलना है, बेचारे ने 5 बजे उठना, बट्टे पे जाना, झाड़ू लेना, फेरना, उसकी बॉडी के अंदर वो सारी जाएगी, डस्ट जाएगी बेचारे के अंदर, और उसको न जाने आलूदगी कौन कौन सी या उसके नाक कान गले के इमराज उसकी जो है मतलब जिंदगी के अंदर जन्म लेंगे। और सबसे बढ़कर इंसान के लंग्स, उसके किडनी, उसका हार्ट या उसके दीगर आप कह लीजिए जितने बॉडी ऑर्गन है, मेन ऑर्गन जो है हमारे, वो बेचारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब बीमारियों का ताल्लुक ये है कि हेपेटाइटिस और इसके अलावा दमा हो सकता है उन लोगों को, टीबी की शरह जो है मतलब बहुत ज्यादा उनके अंदर जो है मतलब बढ़ सकती है। तो उन लोगों को बचाने के लिए हेल्थ अवेयरनेस जो है वो बहुत जरूरी है। और बदकिस्मती ये भी है कि उन घरों के अंदर एजुकेशन का फकदान है बहुत ज्यादा। तो जब तक हमारे अंदर हमारे बच्चे एजुकेशन जो है वो उसको जो है अपनी जिंदगी के अंदर नहीं लेंगे, या हमारी ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल्स, अदारे जब उन पर काम नहीं करेंगे तो उनके अंदर चेंज नहीं आएगी। हम बेशक जितनी मर्जी बातें करें आपस के अंदर जो कुछ मर्जी, अमली तौर पर जब किसी के लिए स्टेप उठाया जाता है तो फिर उसके अंदर चेंज आती है। किसी भी मुआशरे को बहुत बहुत खूबसूरत अंदाज में कहा है कि हमें एजुकेशन के ऊपर काम करना है यूनाइटली, और हमें अवेयरनेस देनी है कम्युनिटी के, ताकि हम यूनाइटली इन चीजों को आगे लेके जा सके। अभी मैं हमारे रोम में बैठे हुए दोस्त काशिफ अंतरी साहब ने, क्योंकि उस अदारे के साथ भी मुंसलिक है जहाँ पर उन
इश्यूज के ऊपर भी काम किया जाता है जहाँ पर लोग बात करते हुए डरते भी हैं। तो अभी नवीद मुनीर साहब ने भी और स्टीफन पीटर साहब ने भी अपनी बात का जिक्र किया ब्लास्फेमी लॉ के हवाले से भी, कि लोगों पे झूठे इल्जाम लगा दिए जाते हैं और उनको फंसा दिया जाता है बेचारों के लिए, बाद में बहुत ज्यादा इश्यूज बनते हैं पाकिस्तान में राष्ट्रपति होने के लिए। तो मैं काशिफ मंत्री साहब आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी नजर के अंदर इन इश्यूज को सॉल्व करने के लिए अभी जो ब्लास्फेमी के हवाले से या मजहबी तासुब के हवाले से मसाइल मजदूरों को लाहक है, इसके लिए अदारे या खास तौर पर एनजीओस क्या कर सकती हैं? जी, मैं ये कहूंगा कि देखें एनसीजेपी जो है वो जस्टिस एंड पीस कमीशन जो है वो उन्होंने एक जो है वो बड़े अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट जो है वो लिया हुआ है, वो है एजुकेशन के हवाले से। आप कोई भी इदारा है या कोई भी किसी चीज पे भी काम करना चाहते हैं, तो अगर आपके पास जो एजुकेशन है ना उसको अगर आप जो है वो सामने रखेंगे तो दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। जैसा शाहिद भाई ने भी जिक्र किया कि देखें आपका जो माइंड सेट है ना बेसिकली उसको आपने चेंज करना होता है, और माइंड सेट हमेशा उस वक्त चेंज होता है जब आपके जो बच्चे हैं जो भी करिकुलम उनको पढ़ाया जा रहा है उस पर काम किया जाए। उसमें टॉलरेंस लाने की जरूरत है, उसमें एक्सेप्टेंस लाने की जरूरत है, उसमें दूसरे मजाहिब को जो है वो रिस्पेक्ट देने की जरूरत है। तो बेसिकली ये जो है इसे अगर हम सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं और जितने भी लोग हैं अगर डेमोक्रेटिक एजुकेशन की तरफ आए तो मेरे ख्याल में हम हर एक मामले को जो है वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं, चाहे वो आपके मजदूर का मामला हो, चाहे वो आपके हेल्थ का मामला हो, चाहे आपकी कोई भी लॉ फोर्स इन्फोर्समेंट है, कोई भी यानी कि आप ले लें कोई भी फील्ड ले लें, हर एक को सिंथेसाइज करने के लिए, हर एक को एक लाइनअप करने के लिए आपकी जो एजुकेशन है दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जिसपे काम करने की जरूरत है। और पाकिस्तान में हमें जो है वो टॉलरेंस बर्दाश्त हम आहंगी अमन सुलह लाने के लिए जो है वो एजुकेशन को ही सहारा बनाना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। अभी हमारे साथ सीनियर पॉलिटिशियन मौजूद हैं स्टीफन पीटर साहब, और इन्होंने भी हमारे सामने एक पॉइंट रखा मजहबी तासुब के हवाले से, और आपने भी काशिफ साहब यहाँ पर हमें बताया कि जो स्कूल करिकुलम के अंदर जब तक आप बच्चों को मोहब्बत का पैगाम नहीं सिखाते, कोएग्जिस्टेंस के हवाले से नहीं बताते या डाइवर्सिटी नहीं सिखाते, तब तक जो तासुब है या नफरत पे मबनी जो मुआशरा है वो तकमील की तरफ आगे बढ़ता है। तो स्टीफन पीटर साहब आप प्लीज बताइएगा, बीइंग अ पॉलिटिशियन और बीइंग अ ओवरसीज पाकिस्तानी, प्लीज आप हमें बताइएगा कि ये जो मसाइल हमें नवीद मनीष साहब ने स्पेशली तौर पर हमारे सामने रखे कि किस तरीके से तासुब का सामना करना पड़ता है एक मजदूर को, इसके लिए एक पॉलिटिशियन का किरदार क्या हो सकता है, एक पॉलिटिकल वर्कर को क्या करना चाहिए ताकि मजदूरों के जो हक है उनको हम दिलवा सके? जी बहुत शुक्रिया अशिक नाथ साहब। मैं इससे पहले कि आपके सवाल का जवाब दूं, मैंने कुछ चीजें महसूस की है, मैं चाह रहा हूं कि हम जो है इसको भी थोड़ा सा देख लें, ताकि जब हम प्रोग्राम्स करते हैं और जो गाइडलाइन हम देते हैं दोस्तों को स्पीकर्स को और खुद बजाते खुद जैसे आप हैं आफ्ताब मुगल साहब हैं, तो फिर उस गाइडलाइन के मुताबिक अगर चला जाए तो फिर आपने तीन राउंड रखे थे और पहला राउंड जो था वो क्वेश्चन था, फिर जिमनी सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस थे, फिर एंड पे जो इसका सलूशन था। तो शायद दोस्तों ने सलूशन पहले दे दिया, मतलब एक सिस्टम के तहत नहीं हम चल पाए, कोई बात नहीं। अब आपने मुझसे पूछा ये कि बैसियत एक सियासतदान जो है वो इसका हल जो है, तो इसका हल जो होता है वो बेसिकली इसकी जो लेजिस्लेशन होती है वो होती है कि जब आप किसी चीज को क्लियर आउट करना चाहते हैं या उससे कुछ इस्तफादा हासिल करना चाहते हैं तो उसका बाकायदगी से एक एक्ट बना दिया जाए। इसका एक्ट बना हुआ है, लेकिन ये प्रॉब्लम आ रही है कि हमारे अपने लोग जो हैं उनका मसला ये आ रहा है कि हमने तमाम की तमाम जिम्मेदारियां जो है वो उठा रखी हैं। अगर हमारा कोई पॉलिटिशियन है तो वो चाहता है कि मैं मजहबी लीडर भी हूँ, मैं सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ, मैं जो है वो कानूनदान भी बनूं, मैं जो है वो तालीम का माहिर भी बनूं, और मतलब मेरी कोशिश होती है कि मैं पूरे जितने हमारी फील्ड है वो सबका मैं ही वारिस बनूं। ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है हमारी कम्युनिटी में कि हम एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे, हम एक दूसरे के साथ चलना नहीं चाह रहे,
और उसकी वजह, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जब तक हम अपने घर से जो है वो स्टार्ट नहीं करें चीजों को ठीक करना, तब तक जो है हम आगे बढ़ नहीं सकते। हमारा जो मुकाबला है वो एक बड़ी पढ़े लिखे लोगों के साथ और बड़े वेल एजुकेटेड लोगों के साथ है, जो कि कानूनी माहरीन भी हैं, जिनके हर फील्ड में जो है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि खुदावंद का फजल है, हमारी कौम में भी माहरीन, तालीमी माहरीन भी हैं, मेडिकल के जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी हैं, हमारे रिलीजियस जो लीडर्स हैं वो भी हैं, हमारे पॉलिटिशियंस भी हैं, हमारे नौजवान हैं खासतौर पर। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमने अपनी अपनी दुकानदारी सजाई हुई है और हम ये कोशिश नहीं करते कि जनाबे आला हम सारे मिल के जो है वो आगे बढ़े और अपने अपने डिपार्टमेंट को जो है वो लेके चले। लेकिन हमारा जो मेन जो हेड है वो हमारा एक प्रॉपर तरीके के साथ हो और हम पूरी कौम को मुनज़म करके चलें और जिसका जो काम है उसको हम उसको अहमियत दें और उस काम में हम उसको आगे बढ़ाएं। तो मेरे ख्याल में यह है कि हम ये टारगेट अचीव कर सकते हैं जब तक हमारे कानूनी माहरीन जो है कानून के हवाले से, हमारे तालीमी माहरीन जो है वो तालीम के हवाले से, मेडिकल के लोग मेडिकल के, स्पोर्ट्स के लोग स्पोर्ट्स में, और रिलीजियस लोग रिलीजन के हवाले से, और इसी तरह हमारे सियासतदान जब तक के सिर्फ सियासत की हदूद तक नहीं रहेंगे और अपने महाराना तालीम से उसको हम उसका सलूशन नहीं निकालेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। हमें अपने तो उसमें दायरा कार में रह के पूरी कौम को एक होके चलने की जरूरत है। जब तक हम एक नहीं होंगे, यूनिटी नहीं होगी, हमारा चेन सिस्टम नहीं बनेगा। आप 75 साल आपके हो चुके हैं, आप मजीद 75 साल और देख लें, आप ना तो कौम को मुनज़म कर पाएंगे और ना ही आप उसमें उससे कुछ अचीव कर पाएंगे। मेरी जो एक नाचीज सी छोटी सी राय है वो ये है कि अगर आप अपने प्रोग्राम्स करते हैं, अगर आप कोशिशें करते हैं, तो कोशिश कीजिए कि कम्युनिटी जो है किसी एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए और बेशक उस प्लेटफॉर्म के जो रिकग्निशन है वो सिर्फ हमारी क्रिश्चियनिटी होनी चाहिए। हम सारे के सारे जीसस क्राइस्ट के फॉलोअर्स हैं। हम ऐसा ना करें कि हर काम में जो है तो सिर्फ स्टीफन का नाम आए कि जी स्टीफन ने ये भी किया, वो भी किया, वो भी नहीं। अगर स्टीफन पॉलिटिक्स जो है वो करना जानता है या उसने कुछ सीखा है तो उसका काम है कि पॉलिटिकली जो है वो कौम की खिदमत करे। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आपका और मेरे ख्याल में शायद इससे ज्यादा और कुछ कहना जो है वो नामुनासिब होगा। थैंक यू जी। जी थैंक यू मैम स्टीफन साहब, आपने बहुत खूबसूरत अंदाज में, और हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि आपने थोड़ी सी हमारी तो सी भी करवाई है, लेकिन बीइंग अ मॉडरेटर, बीइंग अ होस्टिंग दिस प्रोग्राम, हमारे पास थोड़ा सा हम सेशन भी लेते हैं इस बात के लिए कि हम टाइम का मद्देनजर रखते हुए अपना पैनल का अख्तियार इस्तेमाल करते हुए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं क्योंकि आप हमारे साथी होते हैं, हम आप लोगों की वजह से ताकत पाते हैं और हम आपकी दी फाशा तजावीज को हुकूमत तक या लेजिस्लेशन करने वाले इदारे तक पहुँचाते हैं। तो अगर कुछ चीजें ऊपर जाती हैं, नीचे जाती हैं, तो हम उसको सब मिलके ही समेटते हैं। तो मेरा जो सवाल है, मैं शफाक सोतर साहब की तरफ जाना चाहूंगा क्योंकि रुबीना साहब है जो मैं चाहता हूँ वीमेंस का भी हम लाजमी तौर पर एस्पेक्ट लेते हैं, लेकिन लगता है रुबीना साहब आप हमें सुन पा रही है, नहीं वो चले गए वो, सॉरी। तो शफाक साहब मैं आपकी तरफ दोबारा से आना चाहूंगा, आप प्लीज कंक्लूजन की तरफ अभी हम आएंगे। जिस तरीके से शफाक साहब ने अपनी बहुत अच्छी तरीके से तजावीज पेश की लेजिस्लेशन के हवाले से, आप बताएं कि आपकी नजर में बीइंग अ कैमरामैन जब आप इन मिसाल को देखते हैं तो आप इनका क्या हल तजवीज करते हैं कि हमें कौन सी बातों पे काम करने की जरूरत है। अनम्यूट कीजिएगा अशफाक साहब, अनम्यूट। जी सर, बहुत अच्छी बातें की, बहुत अच्छी बातें हुई है और बड़ा अच्छा लगा है, खासकर पीटर साहब की जो बातें स्टीफन पीटर साहब की बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल ठीक है कि जो जिस इदारे में है, जैसे कोई मेडिकल के लोग हैं, अगर मेडिकल के हवाले से लोगों की हेल्प करें, मदद करें, तो बहुत मामला हल हो सकते हैं। हर इदारा, हर जो भी जिस फील्ड में है उस तरीके से हेल्प करें, मदद करें, तो ये बड़ा जबरदस्त सेक्टर बन सकता है, अच्छा काम हो सकता है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई है कि इनकी के अपने घर से स्टार्ट, तो घर से बात की है, वही है कि मैं पहले तो अपने घर पे जो मिस्त्री है पहले तो मैं उसको खत्म करूँ। उसको खत्म करने का मेरे पास हल ही है कि मैं सबसे पहले उसको किसी भी तरीके से एजुकेशन दूँगा
तो वो अच्छी तालीम हासिल करेंगे तो और अच्छा अच्छी पोस्ट पे अच्छी जॉब पे अच्छा काम करेगा। तो ये तो बड़ी जरूरी चीजें हमारी। और बाकी जो मैं कैमरे की आंख से मैंने जो देखा है कि हमारे लोग बहुत परेशान है, जहाँ तक कि मेरे फोन करते कि यार हमारे यहाँ पे हमला हो गया है आप आके कवर करें, तो मुझे यहाँ पे इजाजत ही नहीं मिलती कि आप जाके कवर करो, जबकि हर इवेंट पे कवर तभी मैं इस्लामी का। तो यहाँ पे हमारे बहुत प्रॉब्लम है, किसी भी मुनर टीम वाले के पास जाओ यार अपने थोड़ी प्रॉब्लम है इसको स्पेल कर दे, अच्छा चले कर देंगे, होता कुछ नहीं है, करते कुछ नहीं है। हमें जिस तरीके स्टीफन भाई कह रहे हैं कि एक होम बनना चाहिए, एक यूनिटी सर, एक होकर काम करेंगे तो बेहतर। तो मैंने स्टीफन भाई कोशिश की थी, ये मेरे लिए मैं समझता हूँ कि बहुत मुश्किल काम है कि हम पूरी मसीह कौम एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए, एक होकर काम करें। तो इसलिए मैंने अपने ना एक छोटी सी अपनी बरादरी को इकट्ठा करके चलो हम अपने घर से शुरू करते ये काम करते हैं कि हम ना तो हमने सियासत करनी है ना काम करना था, यही काम करना था कि हम जो मजदूर है तो लोग है दिहाड़ी का बंदा है उसकी हेल्प करें, हेल्प इस तरीके से करें ना तो उसको राशन डाल के दें ना उसकी रोजेज करें, उसको छोटा सा कारोबार करवा के ताकि ये चीजें खत्म करें। ये चीज मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, यही मकसद था। तो बाकी मजदूर तबका हमारा यहाँ पे बहुत मजबूर है, परेशान है, तो इसके इस प्लेटफॉर्म पे कोई सोल्यूशन निकलता है ये बात होती है। थैंक यू वेरी मच इशफाक साहब। अभी मैं दोबारा से भी नवीद मुनीर साहब, आपकी बात बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रही, और नवीद मुनीर साहब मैं आपसे पूछना चाहूंगा क्योंकि आपने ज्यादा मसाइल को करीब से देखा है हमसे ज्यादा, क्योंकि आप डेली उनको विजिट करते हैं और आप एज ए बैलेंस भी बहुत सारे जो स्लेवरी का शिकार है या बॉडी लेबर का शिकार है या वो उन बच्चों के साथ जिनको जबरी तौर पर जिनसे मजदूरी करवाई जा रही है, तो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि इस वक्त इस दौर के अंदर अदारों को, एनजीओस को, सिविल सोसाइटी को और खासतौर पर मिनोरिटी कंसर्न इसके हवाले से क्या कर सकता है ताकि हम इन मसाइल का जो है हल तलाश कर सकें? सर थैंक यू सो मच। सर मैं ये सोचता हूँ कि हमारे जो भट्टा मजदूर हैं उनके जो हमारी जो नौजवान नस्ल जो तबाह हो रही है उनको कशीदगी से निकालने का वाद हल जो है वो तालीम है। हमें मैं सोचता हूँ कि कसूर में किसी ऐसी तंजीम को काम करना चाहिए जो भट्टा मजदूरों के बच्चों के लिए एक सेंटर बनाए, एक स्कूल बनाए जिससे वो तालीम याफ्ता हों। तालीम याफ्ता होने से ही हमारी जो कम्युनिटी वो बहरानों से निकल सकती है, तालीम ही उसका वाद हाल है। यहाँ पे जो बच्चों से जबरदस्ती मजदूरी भी कराई जाती है, मैंने आपको पहले भी बताया, क्योंकि हम इसको नजदीक से देखते हैं। बहुत सारे जो बच्चे हैं, मैं आपको स्नैप भी अगर कहेंगे तो मैं शेयर करूंगा, 5-5, 7-7 साल बच्चे जो हैं उनका अभी तो उनका पढ़ने का मामलात हैं, तो उनको वो अपने वालदैन के साथ काम करते हैं। हमारी जो बच्चियां हैं उनके साथ जो है ना बहुत सारे लोग हैं जो ज्यादतियां करते हैं, वहां पे उनकी आवाज़ को दबाया जाता है। अगर उनके पास तालीम होगी तो ये सब कुछ होगा, जितनी देर उनके पास तालीम नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा। तो मैं सर ये सजेस्ट करता हूँ कि उनके कोई ऐसी तंजीम, कोई ऐसी सियासी जमात, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी कम्युनिटी के लिए, भट्टा मजदूरों के बच्चों के लिए, भट्टा मजदूरों के लिए दर्द रखती है, तो वो एक ऐसा इंतजाम करे कि भट्टा के बच्चों के लिए एक स्कूल बनाए जहाँ पे उनको बाइबल की तालीम, उनको जो बेसिक उनकी तालीम है वो दिलवाए, तो वो फिर ही वो जो है ना वो अपनी फ्रीडम्स को हासिल कर सकते हैं, अपनी आज़ादी को हासिल करते हैं। इसी तरह उनको पता है कि हमारे जो वालदैन नस्ल से नस्ल चले आ रहे हैं, लोग वहां पे फंसे हुए हैं। जैसे एक बंदा फौत हो जाता है और जो कर्ज होता है उसके जो बच्चों पे आ जाता है, तो वो बच्चे कर्ज उतारते उतारते वो अगली नस्ल आ जाती है उसी पे आ जाता है। तो इसी तरह सर ये सिलसिला चल रहा है। इसका जो वाहद हल मैं सोचता हूँ वो तालीम है, इससे हमें इस तरह ही हम अपने बच्चों को वहां से निकाल सकते हैं, हमारी नौजवान नस्ल है वो तबाह कर सकते। हम आखिरी मिनट्स के अंदर है और हमें जो है वो मैम रबीना कोकर साहिबा ने भी ज्वाइन किया है, जर्नलिस्ट भी हैं और नवाए मसीह चैनल के साथ काम भी करती है, इनका ताल्लुक फैसलाबाद से, और फैसलाबाद में भी एक भट्टा मजदूरों की बहुत बड़ी तादाद है, ना सिर्फ भट्टा मजदूरों की लेकिन फैक्ट्री वर्कर्स की, खासतौर पर सैनिटरी वर्कर्स के बहुत मसाइल है जो हम देखते हैं वासा के हवाले से फैसलाबाद के अंदर। तो रबीना साहिबा आप हमें सुन पा रही है? जी रबीना साहिबा आप हमें सुन पा रही है? जी आपकी आवाज नहीं आ रही एक्चुअली, अगर आप
अगर अपना आप जो है वो हैंड फ्री उतार देंगे फोन से, हैंड फ्री उतारने के बाद बात कीजिएगा, तो मे भी आपकी आवाज हम तक पहुंच पाए। हैंड फ्री उतार के बात कीजिएगा बीच जी, अभी भी नहीं आपकी आवाज आ रही। थैंक यू वेरी मच। मैं इससे पहले कि आप हम आपसे कंक्लूडिंग रिमार्क्स लेंगे, तो हमारे साथ मौजूद है काशिफ मंत्री साहब, क्योंकि बहुत ज्यादा इनका काम है खवातीन के हवाले से भी इन्होंने काम किया, तो हम एक खवातीन के हवाले से एक मेन एस्पेक्ट जो है एलिमेंट है वो मिस करते जा रहे हैं, क्योंकि खवातीन जो है वो खेतों के अंदर काम करती हैं, वो सैनिटरी वर्कर्स हैं, वो भट्टा मजदूर हैं, वो सड़कें बनाती हैं, लेकिन उनकी वेजेस के बहुत बड़े मसाइल भी हैं। तो काशिफ मंत्री साहब, आप अपने इदारे के हवाले से बता सकते हैं कि आप इन केसेस को किस तरीके से डील करते, जब भी कोई प्रोसिक्यूशन का शिकार होती है या हरासमेंट का शिकार होती है खतून, या उसके कोई रेप उनके साथ हुआ है या उनके कोई और मसाइल है, तो आपका दारा उनको किस तरीके से लेता है उन मसाइल को? देखिए, जस्टिस एंड पीस कमीशन जो है वो हमेशा ऐसे लोगों की आवाज़ बनता है कि जो अपनी आवाज़ उठा नहीं सकते। तो मेरा जो काम करने का तरीका है वो सिर्फ मेरी ऑर्गेनाइजेशन तक महदूद नहीं रहता, बल्कि क्योंकि देखें आपका जो माशरा है वो बीइंग अ क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन या कैथलिक ऑर्गेनाइजेशन आपको कबूल कभी कभी नहीं करता, सही है। तो इस वजह से हमेशा जो है मेरा जो तरीका कार होता है वो ये होता है कि मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस को अपने एतमाद में लिया जाए और उनके साथ मिल के जो है वो आवाज़ उठाई जाए। तो जब हम लोग एक हो के, जैसे दूसरे भाइयों ने कहा, जब हम एक हो के जब आवाज़ बनते हैं किसी शख्स की, तो हमेशा जो है उस आवाज का जो है वो असर होता है। तो मैंने जब इनके ज्वाइन किया था जस्टिस कमीशन, तो हमारे पास इनके बहुत महदूद जो था वो नेटवर्क था, लेकिन मेरी जो, मैं समझता हूँ कि जितना अरसा भी मैं ऑर्गेनाइजेशन में रहा, मेरा जो था वो एक जो था वो चीज रही कि मैंने मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन को अपने एतमाद में लिया कि हम ह्यूमन राइट्स के लिए काम करें, सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए नहीं बल्कि ह्यूमन राइट्स के लिए काम कर रहे हैं। तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो अभी हमारे कोलैबोरेशन में है, तो हम लोग मिल के जो है वो दूसरों की आवाज़ बनते हैं, और ख्वातीन के मसाइल के लिए तो हर एक शख्स जो है वो आगे आता है। तो ये मैं कहूँगा, थैंक यू। चलिए, on behalf of all of our panel, क्योंकि we all are male and minority concern is also believing on gender equality as well as SDG goal. हमारा जो गोल 5 है SDG का वो जेंडर इक्वालिटी है। तो रुबीना खोखर साहब, आप अभी अगर आप अपने थॉट्स हमारे से शेयर कर सके लेबर्स के हवाले से और फैसलाबाद में जो मजदूरों की हालत है और कुछ तजवीज देना चाहें, तो यू हैव अ टाइम, प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ, अनम्यूट कीजिएगा। आपने म्यूट किया हुआ, पहले तो म्यूट की जी, अभी बोलिएगा, अभी आ रही आवाज, बोलिएगा जी जी। थैंक यू वेरी मच। On behalf of all the panel, I'm going to put the platform to Sir Aftab Mughal. रुबीना, आप अपना ना हेडफोन उतार लें, आप अपना हेडफोन उतारेंगी तो शायद बात बेहतर हो जाएगी। हाँ, उसके बाद आप बात करें। हाँ, आप देखें ना, हम सुन सकते हैं आप, प्लीज आप बात कीजिए जी। मैं ये बात करना चाह रही हूँ कि अकलियतों के लिए ये जो भट्टा मजदूर हैं यहाँ पे फैसलाबाद में, जितने भी मजदूर कम्युनिटी है, बहुत मुश्किलात से गुजारा होता है उनका, बहुत मुश्किल चक्की में पीस रहे हैं वो, क्योंकि इतनी उनके पास होती नहीं है, ना उनके पास तालीम है, उनके आईडी कार्ड नहीं है जो भट्टा मजदूर के। मैंने खुद बजाते खुद जाके अपनी टीम के साथ विजिट किया था वहां पे भट्टा मजदूरों के पास, उनसे बातचीत भी की थी वहां पे, उनको बहुत सारी चीजों का मुश्किलात है वहां पे, बहुत सारी तशद्दुदात का सामना करना पड़ता है उनको। और जो भट्टा मजदूर मालकान होते हैं वो क्या करते हैं, इनको पेशी के तौर पर इनको एडवांस दे देते हैं और उनको पूरी फैमिली की फैमिली को ना पीसते रहते हैं, पैसे भी कटिंग कर लेते हैं उनके सही से, उनको मजदूरी भी नहीं देते और उनके आईडी कार्ड वगैरह नहीं बनते, उनको अवेयरनेस नहीं होती कि हम अपने हकूक के खिलाफ लड़ सकें, तालीम नहीं होती, और उनके बच्चों को जो पढ़ाई के लिए टाइम होता है वो उनको भी साथ फैमिली को ना इसी चक्की में पीसते रहते हैं, और सारी उम्र ये खानदान के खानदान इसी तरह मजदूर ही बने रहते हैं। इनको नहीं पता कि हमारे बच्चे भी, अगर एक मजदूर है मेहनत कश है तो वो मेहनत करके अपने बच्चे को पढ़ा के तो अपने जो खानदानी पोजीशन है उसको चेंज कर सकता है, यानी वो अपने बच्चे को ऑफिसर बना सकता है, डॉक्टर बना सकता है।
एक चाय वाले का, चाय वाला होता है, उसकी भी सोच होती है कि मैं अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को अच्छे अच्छा सेटअप दूं, अच्छी तालीम दूं उसको, ताकि हम खुशहाल जिंदगी गुजार सके, कि ना कि हम सारी उम्र मजदूर रहें। बल्कि अपने आप को इनको चेंज करना चाहिए। और उनके पास ना आईडी कार्ड नहीं होते और ना वो बनाते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता, छुट्टी नहीं उनको देते, वो इस तरह के अवेयरनेस से भी ना दूर रहते हैं। और जहां तक अकलियतों का है, अकलियतें भी हमारे लिए कुछ नहीं करती। जो भी जो हमारे इदारे हैं, सेटअप हैं, स्कूल हैं, वो भी क्रिश्चियंस के लिए, कम्युनिटी के लिए कुछ भी नहीं करते। जहां तक के वाकई अगर वो सारी उम्र करते रहते हैं, उनको आखिरत में कोई भी, उनको ये नहीं होता कि हमारे बच्चों को स्टैंड करने के लिए, उनकी शादी के लिए, अगर कोई बीमारी आ जाती है, उनको हॉस्पिटल स्कूल वगैरह की सहूलियात मुहैया नहीं होती। और जो भट्टा मजदूर है, वहां पे वॉशरूम नहीं होते फीमेल्स के लिए खास तौर पे। हमने खुद जाके वहां पे विजिट किया था, फीमेल ने ना, उनके पास अब लेकिन हमने बनवाए हैं फैसलाबाद में, हमने फैसलाबाद में, हम एक और इदारे के साथ काम कर रहे हैं, बाबा लतीफ इंसारी हैं, वो रहनुमा है, वो लीडर है यहाँ के ना मजदूरों के, वो बहुत सारी आवाज उठाते हैं मजदूरों के लिए, और हम भी उनको ज्वाइन करते रहते हैं। आज भी बहुत हमारा अच्छा प्रोग्राम था, मजदूरों के हवाले से, औरत के हवाले से था हमारा प्रोग्राम, के औरत बहुत हिम्मत वाली है, जहाँ पे भी औरत खड़ी हो जाती है उसको कामयाब कर देती है, जहाँ भी जिस सेटअप में भी जाती है, जहाँ भी मुश्किल का सामना होता है, औरत के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता, जहाँ औरत खड़ी हो जाती है वहां कामयाबी की मंजिलें शुरू हो जाती हैं। और जो भट्टा मजदूर है, उनको बच्चों को तालीम देनी चाहिए, बल्कि वो तालीम नहीं देते, और उनको भी अपने साथ ही लगवा लेते हैं माँ बाप, वो बेचारे ऐसे, उनके वो जो पेशगी उनसे ली होती है, उनसे एडवांस लिया होता है पैसा, उसकी चक्की में पीसते रहते हैं वो। तो इसलिए अपनी अकलियतों को कुछ ना कुछ करना चाहिए। अगर जिस तरह हमारे बहुत सारे अकलियती, जैसे आफ्ताब साहब बैठे हुए हैं इधर यूके में बैठे हैं, इसी तरह और भी हमारे बहुत सारी पावर है हमारे पास, अगर ये सारे मिलजुल के काम करें तो ये अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। अपनी छोटी छोटी सी फैक्ट्रीज बनाई जाए, ताकि हमारे जो क्रिश्चियंस हैं, अकलियती हैं, वो वहां पे काम कर सके, ना कि तशद्दुद का सामना कर सके, क्योंकि वो बहुत सारे, अगर फीमेल करती है ना इस तरह काम भट्टों पे या कहीं भी किसी भी सेटअप में करती हैं, तो उनको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हम क्रिश्चियन हैं, अकलियत हैं, अक्सरियत उनकी ज्यादा होती है, इस वजह से वो हमें दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम खुदावंद का शुक्र है कि जहां भी हम काम करते हैं, हम कामयाब रहते हैं, और हम अपने खुदा को भी नहीं छोड़ सकते कभी भी नहीं, और हमारा जो खुदावंद है हमें सरफराजी देते हैं। और इसलिए हमें चाहिए कि जो हमारे अकलियती इदारे हैं हमारे साथ मिलकर काम करें, अपने ये जो भट्टा मजदूर हैं इनके लिए आवाज उठाएं, इनकी आवाज बने, इनको अवेयरनेस देनी चाहिए, इनके लिए मीटिंग्स अरेंज करनी चाहिए, ताकि इनको इलम हो जिन चीजों का इनको इलम नहीं होता, इन्होंने तालीम भी नहीं हासिल की होती, और ये अपने आगे बच्चों को भी नहीं तालीम देते। ये जब उनसे पेशगी एडवांस ले लेते हैं और महंगाई की दलदल में फिस जाते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच रबीना साहिबा, स्टेज इज योर्स आफ्ताब सर, स्टेज इज योर्स। ओके जी, थैंक यू वेरी मच अश्कनाज साहब। मैं आज के जो मौजू है उसका थोड़ा सा खुलासा दोस्तों के सामने पेश करना चाहता हूँ जो हमें फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं, कि आज हमारे जो दोस्त हैं उन्होंने हमें हमारी मदद की, रहनुमाई की। हमारे जो लोग हैं वो ज्यादातर मजदूर हैं, और जिनमें डेली वेजर्स, स्वीपर्स, डोमेस्टिक वर्कर्स, ब्रिकलिन वर्कर्स और एग्रीकल्चर वर्कर्स शामिल हैं, और खसूसन जो खवातीन हैं उनकी सूरत हाल बहुत ज्यादा मख्तूश है। मैं आज के प्रोग्राम के हवाले से ये जरूर कहना चाहता हूँ कि हम जब भी कोई प्रोग्राम करते हैं तो हमारा बुनियादी मकसद लोगों को एजुकेट करना होता है, अवेयर करना होता है, और फिर किसी कैंपेन का हिस्सा बनना होता है, और किसी एक प्रोग्राम से ये उम्मीद करना कि वो एक प्रोग्राम तमाम मसाइल का हल पेश कर देगा वो कुछ अनरियलिस्टिक अप्रोच होती है। जो हमारे मजदूर हैं वो अपनी मजहबी शिनाख्त की वजह से और अपने हालात की वजह से तीन किस्म के
इश्यूज का शिकार होते हैं। मैं जरा ये कुछ साथी जो हैं वो मौजूद हैं, शिकनाज में खिलाफ आप हैं, हैं। हाँ, तो आपको जरा कि हम सब साथी मौजूद हैं स्टीफन साहब के अलावा। हाँ ठीक है, ओके। किसी भी तबके के जो इश्यूज होते हैं वो तीन हवालों से होते हैं। एक होता है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव उसका, एक कल्चरल एस्पेक्ट होता है और तीसरा स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट होता है। और इन इश्यूज पर बात करने के लिए हमें हमेशा जो हमारा फोकस है वो स्टेट होना चाहिए। हमारा एक मसला यह है कि हम बहुत ज्यादा फोकस जो है वो नॉन स्टेट एक्टर्स पर करते हैं, और जो नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं उनकी जो कैपेसिटी होती है लिमिटेड होती है। हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वो एजुकेशन पे भी काम करें, हेल्थ पे भी काम करें, और फिर कई दफा हम उनसे ये भी उम्मीद कर रहे होते हैं वो कानून भी बना दें। जबकि ये नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं उनकी कैपेसिटी लिमिटेड होती है, उनके रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, उनका एरिया लिमिटेड होता है। इसलिए हमारा फोकस जो है वो स्टेट पर है। हम बहुत दफा ये कहते हैं जी साढ़े MNMPs, भाई हमारे MNMPs वो हैं जो हमारे लोकल MNMPs हैं जिनको हमने वोट दिया लोकल सतह पे। अब मैं अगर मुल्तान में रहता हूं तो मेरा MNMPA मुल्तान का MNMPA होगा, रैदर के वो जो इस्लामाबाद में रहता है जिसको मैंने सारी उम्र देखना भी नहीं, जिसके पास मैं जा भी नहीं सकता और जो मुझे नहीं जानता, मैं उसको अपना MNMPA कहकर अपने आप को धोखा दे रहा हूं। इसलिए हमारा फोकस जो है वो कुछ स्टेट की तरफ होना चाहिए। और जो बुनियादी चीज है कि किसी भी इशू को हल करने के लिए कानून बनाना जरूरी है, कानून बनाना और कानून बनने के बाद उस पर अमल करना, और फिर इंस्टीट्यूशनल इंटरवेंशन। कानून बन जाता है, अमल होता है, लेकिन वो इदारे अमल करते हैं, और इदारों को मजबूर करना वो पब्लिक प्रेशर की वजह से होता है। और यहाँ पे हमारा रोल आता है इंडिविजुअल्स का, सिविल सोसाइटी का और मुख्तलिफ इदारों का। हमने माइनॉरिटी कंसर्न ने हम तकरीबन कोई 2 साल से ये वेबिनार्स कर रहे हैं, और हमेशा जब साथी बात करते हैं तो मुख्तलिफ तजावीज देते हैं। और हमने अपनी जो है डिस्कशंस के बाद, हमारी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है उनके साथ डिस्कशंस के बाद हमने फैसला किया है कि हम अगले माह से एक नेशनल कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं। और वो नेशनल कैंपेन ये होगी कि हम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको हम रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं कि वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो 11 अगस्त की स्पीच है उसको अपने मंशूर का हिस्सा बनाएं, क्योंकि ये एक पहला कदम हो सकता है। अगर वो उसको स्पीच को मान लेते हैं तो इसका मतलब है कि वो एक डाइवर्स पाकिस्तान को मानने के लिए तैयार हैं, एक ऐसा पाकिस्तान जिसमें मजहब की बुनियाद पर किसी के साथ नफरत नहीं होगी, लोग डिस्क्रिमिनेट नहीं होंगे और तमाम इंसानों को रियासत बराबर का शहरी तस्लीम करेगी। ये कैंपेन बहुत जल्द हम आपके सामने पेश करेंगे, और हम चाहेंगे कि तमाम साथी जो हैं वो इसका हिस्सा बने। और जो हमारी अपनी टीम है ऑब्वियसली वो पाकिस्तान में बहुत से लोग मौजूद हैं, हमारे साथी जो हैं वो उनका ताल्लुक यूरोप से भी है, इंग्लैंड में बहुत से साथी हमारे साथ मौजूद हैं, कनाडा में हैं, USA में हैं, इटली में हैं। तो तमाम साथी हम बाहर से भी प्रेशर डिवेलप करेंगे, और जो साथी पाकिस्तान में मौजूद हैं वो पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज के साथ इंटरेक्ट करें कि पॉलिटिकल पार्टीज सबसे पहला वो अपने मंशूर में कायदे आज़म की 11 अगस्त की स्पीच को शामिल करें। और ये हम 5 साल के लिए कैंपेन करेंगे, जिसमें दूसरे कदम के तौर पर हम पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो कायदे आज़म की स्पीच को पार्लियामेंट में लगाए। ये मुतालबा जब मैं जस्टिस एंड पीस कमीशन में काम करता था कोई आज से 20 साल पहले, तो हमने एक नेशनल कन्वेंशन किया था और उसमें हमारे साथ शामिल हुए थे MP भंडारा साहब, वो उस वक्त MNA थे और वो काफ लीग से MNA थे, और उन्होंने ये करारदाद पार्लियामेंट में पेश की थी। और अफसोस की बात है कि पार्लियामेंट ने इस करारदाद को रिजेक्ट कर दिया था। हम फिर एक नए सिरे से इस कैंपेन को शुरू करेंगे। पहला कदम के पॉलिटिकल पार्टीज इसको अपने मंशूर का हिस्सा बनाएं, दूसरा कदम के पार्लियामेंट में इसको लगाया जाए पूरी स्पीच को, और तीसरा कदम यह है कि जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपने अपनी जगहों पे अपने पॉलिसी पेपर्स में इसको शामिल करें, और जो पाकिस्तान का सिलेबस है उसमें इसे शामिल किया जाए।
आखिर में मुझे बहुत शुक्रिया अदा करना है अपने तमाम नाजरीन का जो अब तक हमारे साथ जुड़े रहे, मुझे अपने मुकर्ररीन का जिन्होंने इंतहाई भरपूर किस्म की गुफ्तगू की, हमारे लिए बहुत सी रहनुमाई के हमारी रहनुमाई की बहुत से अहम पॉइंट रेज किए। मुझे शुक्रिया अदा करना है लाहौर से जनाब अशफाक सोक्तरा साहब का, इटली से काशिफ एंथनी साहब का, टेक्सला से डॉक्टर शाहिद मसीह साहब का, फैसलाबाद से रुबीना खोखर साहिबा का, कसूर से नवीद मुनीर साहब का, और इंग्लैंड से मोहतरम स्टीफन पीटर साहब का जो आखिर तक हमारे से जुड़े रहे, उन्होंने हमारी रहनुमाई की और अवेयरनेस के लिए बहुत से पॉइंट रेज किए। और आपको पता है कि बहुत ही आज के प्रोग्राम का अहम जो कामयाबी का सेहरा है वो हमारे साथी अशकनाज खोखर साहब के साथ है। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमेशा की तरह प्रोग्राम को बहुत खूबसूरती से चलाया। आज के प्रोग्राम की तमाम तर कामयाबी का क्रेडिट जनाब अशकनाज खोखर साहब को जाता है जिन्होंने हमें आज साहिवाल से ज्वाइन किया। इसके साथ ही आप सबसे इजाजत चाहूंगा, अगले प्रोग्राम के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। आखिर में जाते जाते मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने इर्द गिर्द रहने वाले तमाम इंसानों का ख्याल रखिए, शायद आपका एक छोटा सा अमल बहुत से इंसानों की जिंदगी में रोशनी भर दे। खुदावंद आप सबका हमयुनासर हो।